हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, इस वीडियो में इस मोटर को डायरेक्ट अपने स्पीकर सिस्टम के एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट करूंगा और देखूंगा इसके साथ क्या होता है, ये खराब हो जाता है या फिर फ्रेंड्स ये स्पीकर की तरफ बजने लगता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने इसलिए सोचा क्योंकि फ्रेंड इसके अंदर भी सेम जो जो स्पीकर के अंदर एक होता है, जैसे कि एक मैगनेट होता है और एक कॉपर का कॉइल होता है, उसी इसमें भी फ्रेंड्स इसी तरह से है। इसमें भी एक मैग्नेट है और कॉपर का कॉइल है, लेकिन फ्रेंड्स इन दोनों में खाली बनावट खाली अलग तरीके से की गई है। जैसे कि स्पीकर के अंदर अप डाउन होता है, इस मोटर जो है ये रेवोल्यूशन होता है। तो फ्रेंड्स, लेकिन जो मटेरियल जो यूज हो रहा है वो दोनों में सेम यूज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ कि क्या ये स्पीकर की तरफ बजता है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो फ्रेंड, मेरा दूसरा वाला जो वीडियो आने वाला है, इस लाइट के थ्रू जो हमारे बाइक का लैंप होता है, इसके थ्रू मैं एक असेंबली मशीन बना हुआ जिससे कि मैं कोई भी आईसी या चिप वगैरह जो भी है, फिर डायोड रजिस्टर ट्रांजिस्टर वगैरह में इसके थ्रू उसको मैं रिमूव कर सकता हूँ, मतलब निकाल सकता हूँ। हमें असेंबली मशीन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सोल्डर भी नहीं जरूरत पड़ेगा फ्रेंड इसी के थ्रू। तो चलिए इसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा इसको भी, एंड अभी हम इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड, ये है एम्पलीफायर। तो हमने एम्पलीफायर को मैंने स्टार्ट कर दिया है, पावर सप्लाई दे दी है। ये 12 वोल्ट से चलता है यहाँ पे डीसी, ठीक है फ्रेंड्स। और ये यहाँ पे हमारा जैक है जो कि मैं अपने कंप्यूटर में बजाऊंगा एनसीएस साउंड के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसको पहले इसमें कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ मैंने कनेक्ट कर लिया और फ्रेंड्स इसमें ये जो मोटर है फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने दो यहाँ पे वायर सोल्डिंग की है। तो इसको भी मैं इसके साथ जहाँ पे हम स्पीकर कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स इसको भी कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे मैं इसको लगाऊंगा। तो एक इसके अंदर डाल देते हैं और ये हो गया फ्रेंड्स। इस तरह से कनेक्ट कर लेना है, पावर चालू है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब चलिए मैं गाना प्ले करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसको चालू कर देता हूँ। मैंने प्ले कर दिया है और ये बजने लगा है फ्रेंड्स। मैं आपको मेरी माइक को निकाल के वहाँ पे मैं लगा के दिखाता हूँ, बज रहा है कि नहीं बज रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स एनसीएस का साउंड बजता है।
पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। मैं एक्चुअली थोड़ी देर पहले काफ़ी मिलाते रहता हूँ फिर दूसरा वाला जो वीडियो आपने देखा था तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। फिर मेरा दूसरा वीडियो देखना था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये असेंबली मशीन मेरा नेक्स्ट वीडियो बनेगा। सो फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और फ्रेंड्स मेरा ये दूसरा वीडियो जो आने वाला हाउ टू मेक ए एसएमडी मशीन, तो फ्रेंड्स वो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।